नमस्ते बच्चों, आज गैफी रेगिस्तान घूमने जा रही है। चलिए गैफी के साथ रेगिस्तान की सैर करने राजस्थान चलते हैं और जानते हैं कि गैफी ने वहाँ क्या क्या देखा। गैफी रेगिस्तान के बारे में जानना चाहती है, क्या आप ये जानने में गैफी की मदद करेंगे? गैफी ने रेगिस्तानी क्षेत्र में जाकर ये जाना कि वहाँ पर रेगिस्तान बहुत सूखे होते हैं। गैफी सोचने लगी, रेगिस्तान इतने सूखे क्यों होते हैं? क्या आप ये जानने में गैफी की मदद करेंगे? आपने बिल्कुल सही सोचा, रेगिस्तान में बारिश बहुत कम या न के बराबर होती है, इसीलिए ये इतने सूखे होते हैं। गैफी अब ये जानना चाहती है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और किस राज्य में है। क्या आप गैफी को बता सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और किस राज्य में है? बिल्कुल सही, थार रेगिस्तान, जो राजस्थान और पंजाब में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गैफी रेगिस्तान में घूम रही थी, अचानक उसे प्यास लगी और वो चलते चलते एक कुएं के पास जा पहुंची। उसने वहां देखा कि कुएं के पास बहुत सारे हरे पौधे हैं और ऊंट भी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि रेगिस्तान में ऊंट को और क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि लोग ऊंटों पर बैठकर रेगिस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। गैफी ने देखा रेगिस्तान में कंगारू, चूहा, उल्लू जैसे कुछ छोटे छोटे और जीव भी रहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं रेगिस्तान में उगने वाला सबसे आम पौधा कैक्टस है? कैक्टस का पौधा पानी को जमा करता है और उस पर लगे कांटे उसे सुरक्षित रखते हैं। गैफी ने देखा कि वहाँ पर लोग पगड़ी के साथ धोती या पजामा पहनते हैं और महिलाएं साड़ी या घाघरा पहनती हैं। यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है घूमर। शाम में जब गैफी को भूख लगी तो उसने दाल बाटी चूरमा और प्याज कचौड़ी खाया, जो राजस्थान का सबसे लोकप्रिय भोजन है। गैफी को रेगिस्तान की सैर पर बहुत मजा आया। उम्मीद है आपको भी इस यात्रा में मजा आया होगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। रेगिस्तान क्या है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? रेगिस्तान में सबसे अधिक कौन सा पौधा पाया जाता है? अपने उत्तर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इस वीडियो में हमने रेगिस्तानी क्षेत्रों के बारे में जाना।